हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी ड्रॉ स्ट्रिंग पर, ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। आज हम यही प्यारा प्यारा सा पर्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक मैजिक नॉट बनाएंगे। मैजिक नॉट के लिए देखिए, धागा डालेंगे हम, क्रोशे डालेंगे हम, और इस तरह से धागा ले लेंगे, और ये हमारा मैजिक रिंग तैयार है। अब हम एक चेन बनाएंगे और इस रिंग के अंदर हम डबल्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं और काउंट करते रहेंगे हम। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इलेवन और हमारे लास्ट 12। हम यहाँ पर टोटल 12 डबल्स बनाएंगे। 12। अब हम इस स्ट्रिंग को खींचेंगे और ये देखिए हमारा ये सर्कल बिल्कुल तैयार है। और अब हमारे जो फर्स्ट डबल था उसके ऊपर हमने क्रोशिया डाला, धागा लिया और स्लिप स्टिच करके इसे तैयार कर लिया एक सर्कल। अब हम इसे आगे बुनेंगे। तो उसके लिए हमने एक चेन बनाई और उसी जगह पर हमने दो डबल्स बनाए। उसके बाद नेक्स्ट में फिर टू डबल्स, नेक्स्ट में फिर टू डबल्स, इस तरह से सारे डबल्स के ऊपर हम टू डबल्स बनाएंगे और इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये 12 का डबल 24 डबल्स यहाँ पर हो जाएंगे इस राउंड के कंप्लीट होने पर। कंप्लीट होने के बाद हम फिर फर्स्ट डबल्स के ऊपर क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, ये है फर्स्ट और ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे और बिल्कुल उसी जगह पर फिर टू डबल्स हम बना देंगे। और अब हमें इसे इंक्रीज करना है, टू डबल्स, फिर नेक्स्ट चेन में वन डबल, नेक्स्ट में फिर टू डबल, वन टू वन टू, इस तरह से हम करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो काउंट करते रहेंगे ताकि कोई हमारा मिस ना हो चेन, और हम टू वन टू वन करके इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे टू, नेक्स्ट में हमारे वन, और इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हम करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फिर फर्स्ट डबल्स के ऊपर स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, आपको बिल्कुल कहीं पर भी जोड़ नहीं दिखाई दे रहा, और इसकी यही निशानी है कि इसमें कोई भी आपको जोड़ दिखाई ना दे, तो इसका मतलब हमारा सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे और इसमें हम टू डबल्स, वन डबल, वन डबल, फिर टू डबल, हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे। यानी टू वन वन, टू वन वन, टू वन वन, और हम इसी तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए हमने टू करा, अब ये नेक्स्ट दो में हम वन वन डबल, फिर इसमें हम टू डबल्स बनाएंगे और इस तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर वन चेन बनाएंगे और फिर हम टू वन वन वन, यानी हम हर बार वन डबल्स का काउंट इंक्रीज कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि हम हर बार 12 डबल्स हर राउंड में बढ़ा रहे हैं हर बार। तो इस तरह से अब हम बनाएंगे। अब यहाँ पर टू डबल,
नेक्स्ट में हम बनाएंगे वन डबल, नेक्स्ट में फिर वन डबल, फिर वन डबल, और इस तरह से हम इसे बनाएंगे, फिर वन डबल और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट करा है। उसके बाद एक राउंड और बनाया है, और इसमें आप खुद ही समझ गए हैं कि हमें हर बार एक एक वन डबल इंक्रीज करना है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा, और हम इसको अब कट करके अलग कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर बेस तैयार हो गया है पर्स का। अब हम आगे ऊपर यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज बनाएंगे। स्ट्रॉबेरीज के कलर हम रेड या मैरून और ग्रीन लेंगे। तो देखिए, ये हमने ये जो इंक्रीज करा था, फोर सिंगल क्रोशे से, फोर डबल्स थे, फिर उसके बाद फिर टू डबल्स, इस तरह हमने लिए। अब यहाँ पर हम पहले इसे अटैच करेंगे एक चेन बनाकर, और फिर हम इसे आगे बुनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसी चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, सिंगल क्रोशे बिना धागा आगे करें। हम दो फंदों का एक बना देते हैं। अब हम यहाँ पे स्किप करेंगे टू, और हम नेक्स्ट में यानी थर्ड में वन टू स्किप करा, थर्ड में हम सिक्स डबल्स बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक दो स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशे, फिर टू स्किप करके फिर सिक्स डबल थर्ड चेन में सिक्स डबल्स बनाएंगे। हम काउंट करते रहेंगे, और उसके बाद फिर टू स्किप करके हम अब यहाँ पे टू स्किप करेंगे, वन टू, और थर्ड में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरा राउंड हमारा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, देखिए पूरा राउंड। और यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर ये स्लिप स्टिच ज्वाइन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे धागा काटना नहीं है, क्योंकि हम आगे आगे बनेंगे। लेकिन अब हम अपना ग्रीन कलर का धागा हम अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की पेटल्स बनानी है। देखिए अभी ये 3D स्ट्रॉबेरीज है, अभी ये आपको 3D नहीं दिख रही, यानी उभरी हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अब इस राउंड के बाद ये उभर कर ऊंचाई की तरफ दिखने लगेगी, मतलब 3D लुक आने लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हमने इसे अटैच किया, और यहीं पर हम इसका सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम वन चेन बनाएंगे। अब बिल्कुल इसी जगह पर हम इन्हें धागों को लेना शुरू करेंगे। तो डबल्स बनाने हमें, लेकिन एक ही बार बुनकर हमें उतार लेना है फंदे को, दोबारा नहीं बुनना। तो इस तरह से छह हमने जो डबल्स बनाए थे उनके ऊपर बिल्कुल हम छह बार इसी तरह से डबल्स को एक बार बिना बुने उतार लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने छह के छह डबल्स के ऊपर बिना बुने उतार लिए। अब यहाँ पर हमारे हुक में सेवन फंदे हैं। तो उसके बाद हमने एक बार धागा आगे किया, और सेवन के सेवन फंदे एक साथ हमने बुन लिए। फिर एक चेन बनाए, दूसरी, तीसरी, तीन चेन हमने यहाँ पर बना ली। और अब हम जो सिंगल क्रोशे हमने करा था, हम बिल्कुल उसी जगह पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे,
और फिर हम धागों को उसी तरह से डबल्स आ गए ना, अब इनके पास बिना बुने उन्हें उतारते रहेंगे, डबल्स को बिना बुने उतारते रहेंगे इस तरह। बिना बुने से उतारेंगे, अब इन्हें एक साथ मिक्स कर दे दिया, पहले चेन तीसरी चेन तीसरी चेन इस तरह से लेंगे। तीन चेन बनाने के बाद अब हम सिंगल क्रोशे से पहले सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम जो सिक्स डबल्स हमारे आ गए उनके ऊपर सिक्स डबल्स टुगेदर हम बनाएंगे और इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट होने के बाद अब ये स्ट्रॉबेरी देखिए उभरी उभरी दिखने लगी है ना। अब हम फिर से रेड कलर का थ्रेड लेंगे और अब आप ध्यान दे दीजिए आपको कहाँ पर स्ट्रॉबेरी बनानी है, तो इसके लिए जब हमने फिर से रेड कलर ले लिया, एक चेन बनाएंगे और जो हमने चेन स्पेस सबसे पहले हम ये जहाँ पे हमने छह फंदों का एक करा है उस जगह पर एक छोटा सा पॉइंट है, हम उसमें क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए हमें कहाँ पर सिक्स डबल्स बनाने हैं, तो ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया के बाद जो एक चेन हम बनाते हैं उस जगह पर हमें सिक्स डबल्स बनाने हैं। धागा आगे किया, इस तरह से छह हमने ये डबल्स बना लिए। अब हम इस जगह पर यहाँ पे देखिए छह फंदे एक साथ है, बिल्कुल उसी पॉइंट पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर उसके बाद फिर इस चेन स्पेस में हम सिक्स डबल्स बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और लास्ट है सिक्स। इसके बाद फिर सिंगल क्रोशे सिक्स डबल्स हम इस तरह से ऑल्टरनेट करते रहेंगे और हमारी ये स्ट्रॉबेरी का बेस तैयार होता रहेगा। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ग्रीन कलर का स्ट्रॉबेरी को कंप्लीट करने के लिए इसे कंप्लीट करेंगे, तो ये ऑल्टरनेट हम ये दोनों रो करते रहेंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो ये स्ट्रॉबेरी का पूरा पर्स तैयार होता चला जाएगा हमारा। तो ये सुकड़ जाती है, मतलब फंदे सुकड़ जाते हैं तो वो उभर कर आ जाते हैं, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम ये काउंट कर लेते हैं हमने कितने रोज करेंगे या हमने कितनी स्ट्रॉबेरी बनाई है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, टेन स्ट्रॉबेरी बनाई है और एक स्ट्रॉबेरी के लिए हमें टू राउंड लगते हैं, तो यहाँ पे हमने टोटल 20 राउंड करेंगे या 10 स्ट्रॉबेरी बनाई है। इसके बाद हमने एक चेन बनाकर हम इस धागे को और ग्रीन और रेड दोनों ही धागों को काट कर अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा जितनी रिक्वायर्ड हमें लेंथ चाहिए थी हमने वो कंप्लीट कर ली। तो दोनों को कट करके हम बांध कर और इन्हीं धागों में अंदर की तरफ निडल से इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे, तो इन धागों को हम अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे अंदर की तरफ और फिर हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनने के लिए फिर हमने ये कलर ले लिया अपना वाइट और हम आगे बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इस तरह से धागों को ले लिया, अटैच करा हमने एक चेन से
और उसके बाद हमने एक चेन, दो चेन और बनाई। दो चेन और बनाने के बाद अब हम बिल्कुल जहाँ पर सिंगल क्रोशे करते आ रहे थे ना, वहीं पर एक बार फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। बिल्कुल टॉप पर, स्ट्रॉबेरी के टॉप पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर हम 1, 2, 3 और धागों को दबाते हुए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम दोबारा इसी तरह से चेन बना बना के सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। और उसके बाद देखिए इस जगह पर बनते हैं, और इस तरह से फिर हम इसका स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के लिए हम जो बेस है वो बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 सिंगल क्रोशे, जिस जगह पे हम स्ट्रॉबेरी ले रहे थे बिल्कुल इसी जगह पर, और जिस जगह पर हम स्ट्रॉबेरी की लीव्स को कंप्लीट कर रहे थे उस जगह पर, ये दो जगहों पर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं और इन्हें 4-4 चेन से सेपरेट करना है। सिंगल क्रोशे 4 चेन, सिंगल क्रोशे 4 चेन, इस तरह से ये बनेगा। ये कंप्लीट हम करेंगे। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसे, और फिर आगे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और आगे बुनना शुरू करेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। और डबल्स बनाना शुरू करेंगे, 2 और एक और 3, 3 डबल्स। और नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे हम। नेक्स्ट चेन में फिर हम 2, 3, 4 डबल्स बनाएंगे। नेक्स्ट में मतलब नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर हम 4 डबल बनाएंगे। बीच में जो चेन स्पेस के बीच में सिंगल क्रोशे है वहां पर हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम चेन स्पेस में 4 4 डबल्स बनाते चले जाएंगे। और इस तरह से हम ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट करेंगे और स्लिप स्टिच इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये ज्वाइन हो गया है, अब हम इसकी स्ट्रिंग बना लें। ये स्ट्रिंग मैं आपको एक बनाना बता रही हूँ, आपको ऐसे दो बनाने हैं। तो सबसे पहले स्लिप नॉट बनाकर हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली, 5 चेन बनती है, एक और 5 चेन हो गई। और जो फर्स्ट चेन थी उसमें हमने क्रोशिया डालकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, और अब ये हमारे पास एक छोटी सी स्पेस बन गई है। अब इसमें हम एक स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेन बनाकर अब यहाँ पर हम डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो इस चेन स्पेस में हमने इस होल में क्रोशिया डाला धागा आगे करके और डबल्स बनाना शुरू करा। वन टू थ्री फोर फाइव और ये लास्ट है ये 6 डबल्स। बनने के बाद हमने एक चेन बनाई और इसको टाइट करके धागे को कट कर लिया। अब हमने ग्रीन कलर का धागा लिया और उसको हम अटैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में हम इसको अटैच करेंगे जहाँ हमारा पहला डबल था, और चेन बनाकर इसको सिक्योर करेंगे और फिर आके हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करें, एक हुक बना लिया, क्रोशिया डाला, फिर
चेन बना के उसे सिक्योर करा और हम आगे बुनना शुरू करें। यहाँ पे एक चेन बनाकर अब हमने डबल बनाया, इसको आधा ही बुनेंगे और हम रोक लेंगे। नेक्स्ट में धागा डाल के लेंगे, आगे धागा आगे करेंगे हम पहले इसे बुनेंगे, धागा आगे। नेक्स्ट में हमने डाला फंदे, धागा आगे, फिर एक फंदा बना दिया, फिर धागा आगे करके फिर एक फंदा बनाया। ऐसे हम 6 टाइम्स करेंगे और सबको एक साथ, जैसे धागा आगे करके सबको एक साथ लेंगे, एक चेन बनाएंगे और अब हम चेन ही बनाएंगे। इसके धागे उनको हम बाद में समेटेंगे, अब हम चेन बनाना शुरू करेंगे। इन धागों को हम बाद में देखेंगे, अब हम यहाँ पर चेन बनाना शुरू करेंगे और उन्हें काउंट करते रहेंगे। हम करीब 100 चेन बनाएंगे और पूरी चेन हमारी जब बन जाएगी तो हम इसको एक टाइट करके और थोड़ा सा धागा लंबा छोड़ के उसको कट कर लेंगे, लंबा कर लेंगे हम तो उसको कट करके अलग कर लेंगे। ये हो गया हमारा धागा तैयार। अब इसको अभी रहने दीजिए, इसे बाद में करेंगे। बाद में अब हमने ये स्लिप स्टिच करके इसे कंप्लीट कर लिया। जॉइन कर लिया, एक चेन बनाकर इसे टाइट करेंगे, सिक्योर करेंगे, कट करके धागे को अलग कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे किरोना है हमें, तो देखिए यहाँ पे जो एक एक सिंगल क्रोशे से ये चेन जो हमने बनाई थी वो दबी हुई है, तो वो हमें धागे वहाँ पर अपने आप स्पेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये धागा फिरेंगे। देखिए एक में डाला और दूसरी सिंगल क्रोशे के ऊपर से निकाल लिया, फिर नेक्स्ट में डाला और नेक्स्ट इसको हमने निकाल लिया। इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे फिरो लेंगे। ऐसे ही हम एक धागा और बनाएंगे, उसे भी अच्छी तरह से हम फिरो लेंगे। और देखिए अब इसे कैसे ज्वाइन करना है, हमने ये लूप लिया, इसको हम इस तरह से निकालेंगे धागे को, क्योंकि हमने ये धागा थोड़ा लंबा रखा था। अब हम इस जगह में यहाँ पे सारे धागों को अच्छे से दबा कर और यहाँ पर भी हम ये कंप्लीट करेंगे। देखिए अच्छी तरह से ये धागे हमने सारे दबा दिए और अब हम इसी धागे से इसे एंड कर देंगे, कंप्लीट करेंगे और इन्हें अच्छे से दबा देंगे और दूसरा धागा भी डालकर इसी तरह से करेंगे। देखिए ये हमारा तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।